मेरा नाम मुजम्मिल है और मैं इंडस में एज ए कैमरा मैन 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। आप जो कुछ देख रहे हैं ये हम एक तारीख सा एक प्ले इंडस पे जो चलता है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रही क्योंकि हमारे कोई आर्टिस्ट हैं अभी तक नहीं पहुँचे। और आफाक साहब हैं, एक न्यू आर्टिस्ट हैं, वो तंग कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। आर्टिस्ट नहीं आते ये टेंशन होती है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आफाक इफ्तिखार। आप इतनी देर से आते हैं शूट से? भाई कभी कभार शूट में ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन शूट एक साथ आ जाती हैं, क्लैश हो जाती है डेट, तो ऐसा हो जाता है, मजबूरी में कभी कभार हो जाता है। मतलब इस तरीके से नहीं होता ना, आप डायरेक्टर यहाँ पर टेंशन में यार, आप पूरा सेट रेडी और आप अब आ रहे हैं। भाई माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी इमरान भाई, आई एम सो सॉरी। आप किसका इंतजार कर रहे थे? हम किसी का नहीं, का इंतजार, सीन होने का इंतजार, सीन होने का इंतजार कर रहे थे। सीन होने के लिए क्या चीज दरकार थी आपको? हम लोग सेटअप लाइटिंग तो हो चुका था, कोई सुना कास्ट में कोई नहीं आया था? पता नहीं, हमें नहीं पता। एक कम ऑन यार, यार ये हटाओ यार, अबे हटा यार। ये आउटडोर शूट पे इसी तरह आप चेंज करते हैं? मजबूरी है यार। गाड़ी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं? मैं अंदर कर रहा था, आप लोग आ गए, बाहर आ गया हूँ इसीलिए। यार ये क्या हटाओ ना तुम, इसकी इस प्ले के राइटर हैं आसिम सदीकी, इसमें काशिफ सदीकी काम कर रहे हैं, इसमें सना रियाज हैं और फलक खान हैं और अफाक हैं, सारे आर्टिस्ट बहुत कोऑपरेटिव हैं। ताहिर जमील इसमें बाप का रोल कर रहे हैं, एक इसमें सना रियाज। इस वक्त हम हैं तारीख साय प्ले की रिकॉर्डिंग में, जिस प्ले का नाम है ख्वाहिश। इसे तहरीर किया है आसिम सिद्दीकी ने और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं इमरान। नोरा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनके साथ, लेकिन बहुत मजा आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चेंज लगेगा। हम हर करेक्टर करते हैं, हर जैसे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। इसमें मेरे साथ जो लीड कर रहे हैं वो काशिफ सिद्दीकी है, मैं उनका कपल हूँ। पलक के साथ अफाक हैं, हम चारों पे एक बेस करती है स्टोरी के, हम फ्रेंड्स हैं, हम लोग निकले हैं कुछ, लेकिन मैं अगर सब बता दूंगी तो रहेगा कि आप लोग क्या देखेंगे। स्पेशली ये है कि नो डाउट हमें बहुत मजा आ रहा है और इमरान के साथ काम करते हैं मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम बहुत इंशाल्लाह काम करेंगे, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह मेहनत से कर रहे हैं काम। करेक्टर देखिए, हम चारों का तकरीबन एक जैसा ही है, इसलिए हम चारों ही मैंने इसमें स्पेशली थोड़ा सा मेरे करेक्टर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, इसी के इसमें थोड़ा सा जो एक्टिंग का मार्जिन है। वैसे तो सिंपली जुमले ए यार ये क्या हो रहा है यार, हम यहाँ कहाँ आ गए, इस तरह के, लेकिन मेरा करेक्टर कुछ स्ट्रांग है। मैंने किसी को परेशान नहीं। अस्सलाम वालेकुम, फलक खान, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं मेरे ख्याल से सेट पे हूँ और इस प्ले पे काम करें। आप बाहर आएंगे, हम कुछ बातें करना चाह रहे हैं। श्योर। तो आप यहाँ क्या करने आएंगे? काम करने आई, प्ले में काम करें। नहीं नहीं, मैं देर से नहीं आई, मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आप आ जाइएगा, मतलब आराम से, इसमें कोई वो नहीं है। आप मजा आ रहा है, लेकिन जब बहुत देर तक होता रहता है फिर इंसान कहता है यार घर चल जाए, सो जाए जाके सुकून से, या मतलब एक हद तक। मेरा कैरेक्टर जो है वो एक बहुत डरपोक सी लड़की है, जिसके फ्रेंड्स उसको थोड़ी सी बात पे डराते हैं तो वो फौरन से डर जाती है, उसको होता है कि पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कुछ हो ना जाए उसके साथ, उसको डर लगा रहता है हर वक्त, और खासतौर पर डरावनी चीज़ों से, जैसे जिन भूत, जैसे कि ड्रामा
जिस टॉपिक के बारे में है आपको पता है? वेल व्यूअर्स, ये जो हमारा मतलब सीरीज है ये, और तारीख साए, और इसमें आई डोंट नो नाम, आई थिंक ख्वाहिश नाम है मतलब इस एपिसोड का. और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी, स्टोरी बता दी तो फायदा आप लोग देखेंगे. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ کاشف صدیقی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ جو سب لوگ کر رہے وہی کر رہے ہیں. مطلب بتائیں وضاحت کریں. اس میں میرا لیڈ کریکٹر کر رہا ہوں, فرسٹ لیڈ میں کر رہا ہوں. میرے ساتھ ثنا ہے, اور سیکنڈ لیڈ وفاق اور فلک ہیں. اچھا مزہ آیا. کب سے آپ کام کر رہے ہیں؟ 4-5 سال ہو گئے کرتے ہوئے, لیکن ابھی جو ہے ایک بریک کے بعد پھر آیا ہوں, تقریباً 1 سال کے بریک کے بعد. عمران کے ساتھ کام کر لیجیے. عمران اچھا لڑکا ہے. لڑکا تو اچھا ہوگا لیکن کام کام بھی اچھا کر رہا ہے. اچھا بھی لڑکا ہے اور کام بھی اچھا کر رہا ہے. یہ ایک یہاں پہ صاحب ہیں, انہوں نے یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں یہاں 21 تھپڑ انہوں نے مارے ہیں. السلام علیکم, دس آفاق افتخار اینڈ یو واچنگ چینل زو. اس وقت ہم ہیں تاریخ سائے کے سیٹ پہ, اور اس کے ڈائریکٹر ہیں عمران کھوکھر. میرے ساتھ ہیں کاسٹ کے اندر ثنا ریاض, فلک خان. اور اس کی سٹوری بہت ڈیفرنٹ ہے, کافی ٹپیکل ہے, بہت زیادہ مشکل تھی بنانے میں, مگر یہ عمران صاحب کی کاوشیں ہیں جو یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے اسٹوری. انہوں نے لوکیشن بہت زبردست نکالی ہے. یہ اسٹوری کچھ 4 فرینڈس کی ہے, 2 لڑکے 2 لڑکیاں جو جاتے ہیں شہر سے باہر کہیں کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں, تو راستے میں ان کی گاڑی خراب ہوتی ہے. وہاں ان کا سامنا کچھ روحوں سے ہوتا ہے. ان میں سے ایک روح ایک لڑکے کے جو کاشف صاحب ہیں ان کے باپ کی ہوتی ہے. طاہر جمیل کا سلام قبول ہو. آج میں تاریخ سائے کے سیٹ پہ کھڑا ہوں, اور میرے اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں عمران کھوکر. بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, بہت محبت اور شفقت والے ڈائریکٹر ہیں. اس ڈرامے میں میں ایک باپ کا رول کر رہا ہوں جو اس گمنام جگہ پر آ کر کھو جاتا ہے اور اس کی روح زندہ رہتی ہے, لیکن یہ نیک روح ہے, اور میرے ساتھ کچھ بدروحیں بھی ہیں جن کے ساتھ میری ایک جنگ ہے.
आज मैं आप सबको पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है, कि आज मैं इस जगह पे हूँ ना, मैं काशिफ जाफरी जो है मेरा उस्ताद है, और मैं उसको नहीं भूल सकता कि आज मैं उसकी बदौलत यहाँ पे मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैं गजनफर साहब का बहुत 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 एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे एक ये प्ले दिया, और ये प्ले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ।